नमस्कार टीम शो, आदाब से शकल वनकम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग की हो रही है पैकिंग, कपड़े वगैरह हम लोग पैक कर रहे हैं। मनीषा भी कॉलेज से आ चुकी है, इनको कॉलेज से लेके और सारी पैकिंग में ये लगी हुई है। निशा और जीजू को मैं पता नहीं हिचकी क्यों मारी बिना खाए पिए। तो गाइस मैं इन लोगों से बोल रहा हूँ कि चलो चलो चलो, लेकिन ये कह रही है कि पहले तो थी कि हाँ चलेंगे चलेंगे, लेकिन अब ये कह रही है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तो मन नहीं कर रहा है। तो बाद में कहीं ये ना बोल दे कि भैया भाभी छोड़ के चले गए, इसीलिए इनको पहले ही हम लोग बोल दे रहे हैं ये मत बोलना, नहीं तो तुम बोल दो कि भैया भाभी चले गए, फिर आप लोग पूछने लगोगे कि उनको छोड़ के क्यों। जब ये लोग शिमला ट्रिप पे रहते हैं तो सब बोल रहे थे ना कि छोड़ दिए, तो उस वक्त हम लोग नहीं कहते क्योंकि ट्यूशन स्टार्ट किए थे। आज तो मेरा खुद ही का मन नहीं कर रहा क्योंकि सुबह से हम लोग यूनिवर्सिटी गए थे, थक गई है। तो मनीषा से ज़्यादा ये थक गई है, मनीषा भी थक गई है। मनीषा तो आते हैं तो उल्टी भी मार दी एक बार, क्योंकि गन्ने का जूस आज भी पिलाया था, फिर वो मीठा उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और फिर अब फाइनली पैकिंग वैकिंग हो चुका है, बाकी अब देखिए मनीषा यहाँ पर अपना तैयारी कर रही है, सब सामान वामान पैक कर रही है, फिर अब निकलेंगे हम लोग। एक ही पेयर ड्रेस रखी है, अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोगों को भी नहीं पता ना जी। नहीं अब बाहर जाके ही देखेंगे। हाँ एक पेयर ड्रेस रख लो, बाकी ट्राउजर वगैरह रख लेना। आज देखो हमारे आयरन किए हुए कपड़े कैसे रखे गए हैं, जगह ही नहीं है। प्रिंटर को मैं लाया तो प्रिंटर को यहीं रख दिया। क्योंकि मेरा अलमीरा पूरा भरा हुआ है। तो ना अपना ये वाला कोट ले लीजिए। ये चालू बोल बड़ी। तो गाइस मनीषा हो गई है तैयार। मनीषा तैयार हो गई है। मनीषा चलो चलो जी। तो गाइस अभी आपको बता दें कि मनीषा के ऊपर प्रैंक हो रहा था। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं और प्रैंक मनीषा के ऊपर हो गया। तो और खुश है, कहीं नहीं जा रहे हैं तो प्रैंक की क्या बात है इसमें, मेरे को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा क्या, हम लोग ऐसे ही पास में ही जाएंगे कहीं। चलो उठो, यहाँ से सब कुछ दूर है, चार चार घंटे का रास्ता। उठो उठो लेट हो रहा है। हाँ ना हाँ ना करते हुए हम लोग सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, तो हमने सोचा कि फाइनली निकलते हैं कहीं वरना देर हो जाएगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं निशा और जीजू का क्या रिएक्शन है। देखिए इनका व्लॉगिंग स्टार्ट हो गया पहले ही से, ये भी देखो। चलो चलो जल्दी चलो चलो, कैसा लग रहा है हम जा रहे हैं? तो ये हम जा रहे हैं, कैसा लग रहा है हम जा रहे हैं, कैसा लग रहा है बताओ। कितना खराब क्वालिटी आ रहा है इसमें, मेरा मुंह लाइट में पीरा। हाँ अब ठीक कह रहा है, घूमने की बात आती है इतना खुश रहते हैं भाई। कैसा एंगल है, पर्दा बंद नहीं कर रही है, पहले घूम रही बेचारी, या तो मुंडी आएगा इसका या तो ये आएंगे या तो हम आएंगे भाई, आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं जैसे करती हूँ एडजस्ट, ये भी वैसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ दांत तक आएगा, इनका बाल तक आएगा। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली, और जीजू को जीजू प्लान खराब कर दिया, कहते निशा का मन था लेकिन मेरा मना भी कर दिया। नहीं मना नहीं किया, थोड़ा मन मेरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ टायर्ड हो गए, अब मेरा पैसा सब पैसा बचा रहा है लोग। मेन बात है भाई, ये जा रहे घूमने ऋषिकेश जा रहे हैं, पहले तो बोला अभी पता नहीं, अभी हम लोग अब सोच रहे देहरादून, गाड़ी में बैठते बैठते देहरादून का ख्याल आ रहा है, ये हम लोग को भी नहीं पता है। तो गाइस हम लोग को भी नहीं पता कि कहाँ जाएंगे, लेकिन बस चल रहे हैं। गाड़ी में बैठ चुके हैं, ये मनीषा का वेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए पर्स और ये चूड़ा ड्रायर सब रखा जा चुका है सामान फिलहाल, देखते हैं वो भी कितना, महिला है ना बहुत लेट करती है। देखिए ये आ चुकी है, रख लो रख लो। अच्छे से घूमिएगा, नहीं अभी नहीं बताएंगे, अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अभी पता नहीं है कंफर्म कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ रात को पहुँचेंगे फोन करेंगे, ठीक है? ए भाई मेरा फोन मत, बाय बाय। हम लोग निकल चुके हैं, पहले हम लोग सोच रहे थे अमृतसर जाएंगे, फिर हम लोग सोच रहे हैं देहरादून जाएंगे, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अमृतसर ही जाएंगे,
सॉरी देहरादून जाएंगे, क्योंकि अमृतसर जो है वो आने टाइम बहुत लेट हो जाएगा। मीटर देख लो, मैं कॉलेज भी जाना है, बहुत स्लो चल रहा है मीटर ही, तो इसको कॉलेज भी जाना है मंडे को, तो हमने सोचा कि चलो हम लोग देहरादून से घूम के आएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं देहरादून, दैट्स द फाइनल, और चलते हैं। बहुत दिन से घर बैठे 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 अजीब सा हो गया था मन, तो चलते हैं थोड़ा बहुत घूम के आएंगे। गाइस फिलहाल हम लोग रुके हुए हैं कहाँ पे, पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप, और यहाँ डीजल की जो प्राइस है आप देख सकते हैं 97.3 रुपीज है आज, 97.3। इससे अच्छा चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में 89 रुपीज के आसपास है, 89-87 हो गया होगा अब तो। तो गाइस अब हम लोग हरियाणा से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, और यहाँ पे आपने देखा ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर तो नहीं है लेकिन बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एक्चुअली यमुना नदी है जो भी आएगा पास में, ये देखिए भाई साहब। तो यहाँ से हम लोग का मतलब 5-10 मिनट लगता है, याद है हम लोग एक बार आते टाइम यहाँ रुके हुए थे, तो यहाँ से हम लोग को 5 मिनट में हम लोग उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे। तो बस बने रहिए, आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारा सफर, और धूप जब ढल जाती है ना, सूरज जब ढल जाता है, तो उसके बाद से एक ना मतलब मजा ही कुछ और होता है पूरे मौसम का। यहाँ देखिए कितने लंबे लंबे पेड़ है, उससे बहुत खूबसूरत नजारा, प्रकृति और अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में हरियाणा। इधर भी देख रहे हैं आप लोग, ये ट्रेन खड़ा, देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस है। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, उत्तर प्रदेश पुलिस। इधर कहीं रुक गए थे, जब हम लोग उत्तर प्रदेश पहुँच चुके हैं और एनर्जी मनीषा के अंदर डबल आ गई है यूपी में आते ही, अपना सा है बिल्कुल यार। तो गाइस इसी के साथ धुंध पड़ चुकी है, पहली बार गर्मी में धुंध खतरनाक, और आप देख सकते हैं नजारा, वाह भाई वाह। मनीषा साइड में बैठी हुई है, गाना सुन रही है, मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूब सुनिया खूब सूरत हो गई है। गाइस तो अब थोड़ी ही देर में मैं पहुंच जाऊंगी, मतलब हम दोनों पहुंच जाएंगे, वक्त हो चुका है 7:30 ऑलमोस्ट। हाँ। तुम हमारे तरफ फ्लाइट होनी चाहिए, इसलिए मैं अंधेरा आ रहा था, 7:30 हो गया है, और जिस दिन मैं बाल शैम्पू करता हूँ ना उस दिन मेरा बाल बिल्कुल सिल्की हो जाता है, एकदम लगता ही नहीं है शैम्पू करने से थोड़ा सा हो। मेरे को इस तरह का हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, मनीषा को ऐसे ही अच्छा लगता है। एनीवेज कोई बात नहीं है, एंजॉय कीजिए आप लोग ब्लॉग, और उम्मीद करते हैं कि आपने ये वाला ब्लॉग भी एंजॉय किया होगा। आगे वाला ब्लॉग बहुत 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 अमेजिंग होने वाला है, और जो भी लोग देहरादून में है हम लोग देहरादून आएंगे, इसलिए मैं आगे का ब्लॉग नहीं दिखा रही हूँ आप लोग, अगर जो भी आगे का ब्लॉग तो हम शूट करेंगे अब ना जाके, मतलब आप शूट करेंगे, हम सोच रहे थे कि इस ब्लॉग को पहले डाल देते हैं ताकि आप सभी को पता चल जाए कि हम लोग आ रहे हैं देहरादून, है ना। खूब सारा एंजॉय करेंगे हम लोग, खूब चिल आउट करेंगे, वीकेंड है तो मस्ती होना भी चाहिए। आई होप आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और खूब सारा शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गाइस, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाइम टू से बाय बाय, लव यू ऑल।